हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज़ इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित घरचा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे इंडिया एक ऐसी स्टेज पे है राइट नाउ कि जहाँ पे इसकी जो एस्पीरेशन हैं ये हैं कि हमने वर्ल्ड पावर बनना है हमने एक सुपर पावर बनना है राइट उसको पाने के लिए इंडिया हर उस एस्पेक्ट में काम कर रहा है जहां जहाँ पे एक सुपर पावर को काम करना चाहिए चाहे वो आपके डिफेंस के अंदर हो चाहे वो आपके इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके अंडर हो या फिर वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर हो चाहे आपको इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको फोर रनर होना है राइट right? कोई भी फील्ड एनी फील्ड दैट यू स्टडी इन यूपीएससी और दैट यू कैन इमेजिन एक सुपर पावर को उन सारी फील्ड के अंदर अच्छा करना होता है इंडिया स्पेस रेस के अंदर भी अच्छा कर रहा है राइट right? वैसी ही एक जो एक जो एरेना है जहां पे एक सुपर पावर को अच्छा करना होता है वो है टूरिज्म के अंदर राइट right? अब इंडिया क्योंकि प्रीडोमिनेंटली जो है वो रूरल है राइट right? तो इंडिया का जो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मोस्टली जो है या तो हम हमारे लैंडस्केप को बेचते हैं ना या फिर हम अपने मॉन्यूमेंट्स को बेचते हैं राइट ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि हम ना अपने विलेज कल्चर को बेच रहे को 54 बेस्ट टूरिज्म की लिस्ट के अंदर जो कि आपके यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है अनाउंस करता है इसके अंदर धोरदो विलेज को है, जगह मिल गई है राइट right. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक सुपर पावर को हर जगह कुछ ना कुछ काम करना होता है तो ये हमारे लिए एक इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर बाय द वे दिस इज हाउ विलेज लुक्स तो ये किसी भी महीने में आपको वो इंडिया की जैसे टिपिकल विलेज होती है आपको वैसी नहीं मिलेगी है, है ना आपके विलेज सुनते सबके दिमाग में एक बार तो घर का वो जो गांव है वो आया होगा वैसी विलेज नहीं है ये वेल well मेंटेन विलेज है इसमें इकोलॉजी का बहुत खास ध्यान रखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत खास ख्याल रखा हुआ है यहाँ पे एमेनिटीज पूरी हैं तो हम चाह रहे हैं कि अब वहाँ पे कल्चर आओ यहाँ पे आइए आपको कल्चर दिखाते हैं साथ साथ में आपको एमेनिटीज भी पूरी मिलेंगी तो इस वजह से जो है, ये टॉप फिफ्टी टूरिज्म टूरिज्म के अंदर इसका नाम आया है धोर दो विलेज तो अगर तो आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में आता वो तो वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बिच वन ऑफ द फॉलोइंग विलेज इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेजन बेस्ट टूरिज्म करके कुछ इस टाइप का सवाल आएगा आपका राइट right? उसमें वो दो पूछ लेंगे अगर थोड़ा सा और ऊपर जाना हुआ तो वो धोर दो के साथ साथ में आपको इसकी स्टेट पूछ लेंगे राइट right? इसके बाद अगर यूपीएससी में जो कुछ आएगा कि विलेजेस सिलेक्ट कैसे होती हैं है ना वो मैं आपको भी ब्रीफ के अंदर बता दूंगा सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरी बात का मतलब क्या है <coughs> आइए बच्चे सो so, पहली बात जो इनिशेटिव है जो इनिशियेटिव है इनिशिएटिव के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये पार्ट है यू एंड डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है अब पहला सवाल तो यहीं पड़ेगा कि टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एन सब्सिडरी राइट उसके अंदर तीन चार आपको चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार अगर पूछ रहे हो यहां भी टूरिज्म वर्ड आ गया तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ही होगा थोड़ी सी टेंडेंसी होती है हमारी ओवर थिंक करने चक्कर में हम ये जो आंसर हैं वो गलत कर देते हैं बच्चे तो थोड़ा ध्यान रखना है राइट right? क्या करना चाह रहा है ये द प्रोग्राम वर्क टू फॉस्टर डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन इन रूरल एरियाज कॉम्बैट डी पॉपुलेशन एडवांस इनोवेशन एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन थ्रू टूरिज्म एंड एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिस ठीक है जी गांव खाली होते जा रहे हैं गांव के लोग बाहर जा रहे हैं वैसे अभी थोड़ा ट्रेंड उल्टा भी हो रहा है धीरे धीरे डेटा कुछ ऐसे शो कर रहा है है ना बट अभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आया नहीं है सेंसस होगा डेटा आएगा तो हमें पूरा पता लगेगा अभी बस थोड़ी बहुत स्टडीज वगैरह आती है राइट क्या करता है? और आरामदायक जगह होनी चाहिए टूरिज्म अगर आप बात कर रहे हो कन्वेंशनल टूरिज्म वैसे वाले नहीं जो आप लोग लॉन्डे लपाटे घूमने निकल जाते ऊपर की पता नहीं होता कि वहां कहां रुकना है कहां नहीं रुकना है गाड़ी में भी सो जाते हो ना वैसे वाला नहीं टूरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं टूरिज्म हमने डेवलप करना है बच्चे मैंने आपके लिए यहाँ पे बेस्ट टूरिज्म के इनिशिएटिव की सस्टेनेबल टूरिज्म की, की कैसे करना है वो क्या एम कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो है ना अगर आपने भी कहीं पे टूरिज्म डेवलप करना है और उसको सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करना है सो दिस दिस इज द मेथड कॉम्बैट रूरल डी एडवांस जेंडर इक्वालिटी इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस रीजनल एंड डेवलपमेंट इन इन सबको कैसे करते हैं बहुत अलग अलग इस सबके मेथड्स भी होते हैं है ना वो हम लोग क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं लिंक इज डाउन दे आप लिंक पर चेक कर सकते हो इस सारे पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं इसमें कि होगा कैसे राइट <coughs> अगेन right? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रमोट टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज सिंपल एज दैट है ना प्लस आपको लैंडस्केप भी प्रिजर्व करना है कल्चरल डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व करनी है और दिखानी है और साथ में आपके कलनरी ट्रेडिशंस वहां का लोकल खान पान कैसा है उस सबको भी शोकेस करने तो इस सारे फैक्टर्स को मिलकर आपको एक जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज आप बना सकते हो ये आपका मेंस का आंसर भी तैयार हो रहा है साथ साथ वैसे मतलब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के अगर मेरी बात सुन पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा राइट right. कुछ आपके लिए बच्चे इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे विच इज योर सोशल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक है ना हर किसी का ये इंटरलिंक्ड है लेकिन हर किसी के अंदर इंडिविजुअली भी काम किया जा सकता है राइट एनी वे प्लस आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट है यहां पे इज दैट की जो विलेज है इसने फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जी ट्वेंटी की जो है वो हेल्ड करी थी राइट right? तो इस वजह से भी धोर दो विलेज थोड़ा सा हाईलाइट हो रही है इसके अलावा ईच कंट्री वाज अलाउड टू सबमिट अप टू थ्री विलेजेस और सिर्फ स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसकी सारी की सारी तीन विलेजेस जिसने सबमिट करी थी वो uh, लिस्ट के अंदर आ गई है दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024